भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को तेजादशमी का पर्व मनाया जाता है। तेजाजी महाराज राजस्थान और मध्य प्रदेश के स्थानीय देवता माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी तेजादशमी पर तेजाजी महाराज की पूजा करता है उसे कभी सर्प भय नहीं रहता। रामदेव पीर का जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इन्हें इतिहास में एक बुद्धिमान और न्याय प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है, जो लोगों की समानता में विश्वास करता था। चाहे उनकी उत्पत्ति, सामाजिक स्थिति या धन कुछ भी हो, अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन के बावजूद 37 साल की उम्र में उन्होंने समाधि प्राप्त की, जो कि एक व्यक्ति को निर्वाण के करीब लाती है, और अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। रामदेव ने अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ अच्छा किया। बैठमा में भी तेजादशमी पर नगर के राजवाड़ा स्थित सत्यवीर तेजाजी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ बनी रही। भक्तों ने अपने समय अनुसार मंदिर में पहुंचकर तेजाजी महाराज को नारियल, अगरबत्ती और पूजन सामग्री अर्पित की। नगर में कई स्थानों से मंदिर में भक्तों ने पैदल यात्रा कर तेजाजी मंदिर में निशाना चढ़ाए। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में पैदल यात्रा कर ये निशान चढ़ाते हैं। तेजादशमी के दिन वीर तेजाजी महाराज के भक्त बहुत ही जोश और उत्साह के साथ तेजादशमी का पर्व मनाते हैं। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।